सर्विस प्लस पैनल में लॉगिन करने के लिए आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। इस पैनल में लॉगिन करके आप जाति, आय, आवासीय, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे RTPS, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ देखिए serviceonline.bihar.gov.in ये ऑफिशियल साइट है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम यहाँ साइट पे आएंगे, यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको कुछ सावधानियाँ दिया गया है, इन सबको आप रीड कर लेंगे और लॉगिन के लिए आगे बढ़ें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहीं आपको इसी का आईडी बनाना है, मेरी पहचान, इसी का आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप अगर आईडी पासवर्ड है तो यहाँ लॉगिन करेंगे। अगर नहीं है आपके पास बनाने के लिए तो यहाँ न्यू यूज़र, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। साइन अप फॉर मेरी पहचान, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे, अगर कोई आपका लास्ट नेम है तो यहाँ फिल करेंगे, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल है या फीमेल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एक यूज़र आईडी सेलेक्ट करना होगा। यूज़र आईडी आप अपना नाम का भी दे सकते हैं, नाम दे दीजिए, उसके बाद कुछ नंबर उसमें मिला दीजिए तो आपका टोटल यूज़र आईडी ये हो जाएगा। उसके बाद @jnparichay.gov.in ये पूरा आपका यूज़र आईडी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एक पासवर्ड चूज़ करना होगा, यहाँ पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ कुछ टर्म एंड कंडीशन आ जाएंगे, इन सबको आप रीड कर लेंगे अच्छा से। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको थैंक यू का मैसेज मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको KYC करना होगा तो KYC करने के लिए प्रोसीड विद KYC इसको टिक करेंगे और यहाँ आधार चूज़ कर लेंगे और यहाँ अपना आधार नंबर फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद KYC पूरा होने के बाद देखिए आप अपना पैनल में लॉगिन खुद से हो जाएंगे, यहाँ लॉगिन हो जाएगा, यहीं से आप सारा सर्विस को यहीं से मैनेज कर सकते हैं। पासवर्ड आपका वही रहेगा जो आप चूज़ किए और आईडी आप जो चूज़ किए वही रहेगी, उसी से वहीं बार बार आप लॉगिन करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। काम करने के लिए यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज इस पे क्लिक करेंगे। देखिए यहीं से आप पूरा सर्विस को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गन लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, बिहार स्टेट माइग्रेशन, लेबर एक्सीडेंट ग्रांट स्कीम, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।